assumptions of law of demand we are discussing. Assumption means that the factors other than price of the commodity, which may influence the demand of the commodity, we assume them to be constant. Okay? So by assumptions, we mean other things remaining the same. Every law in economics is based on certain assumptions. No relationship between two variables can be established without taking assumptions. ठीक है, कोई भी law economics में है वो हमेशा assumptions के ऊपर based होता है. किसी भी दो variables के बीच में आपको relationship establish करनी होती है तो आपको बाकी factors, variables जो उन variable को affect कर सकते हैं उनको constant मान के चलना पड़ता है. So law of demand establishes negative relationship between price of the commodity and the demand of the commodity. That is, with rise in price, demand will fall, and with fall in price, demand will rise. This relationship can be established only when price of related goods remain the same. There is no change in the price of substitute goods or in the price of complementary goods. ठीक है? Secondly, income of the consumer remains the same. बेटे, अगर आपकी पॉकेट मनी बढ़ गई तो आप ज्यादा प्राइस पर भी ज्यादा चीज खरीद सकते हो, isn't it? यानी लॉ ऑफ डिमांड यानी कि नेगेटिव रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगी प्राइस और डिमांड में. तो नेगेटिव रिलेशनशिप को ट्रू होल्ड करने के लिए यू हैव टू टेक द अजम्पशन दैट देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अनदर अजम्पशन, देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस. मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप शुगर लेने गए, आपको मम्मा ने 200 का नोट दिया, 50 रुपए पर केजी की शुगर है, आपको बोला 4 केजी शुगर ले आओ. अगर आपने वहां पे कॉन्वर्सेशन ओवर हियर कर ली शॉपकीपर की कि कल को शुगर का प्राइस कम हो जाना है, तो आपने डिमांड कम कर दी थी शुगर की, है ना? आपने मम्मा को कॉल किया, मम्मा कल को 30 रुपए किलो हो जानी है, मैं 50 पे क्यों लूं? तो मम्मा बोलेगी अच्छा ऐसे करो 1 किलो ले आओ, घर में बिल्कुल चीनी नहीं है, गेस्ट आए हुए हैं. ठीक है, यानी आपने क्या किया, सेम प्राइस पे कम डिमांड की. क्यों? यू आर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू फॉल इन फ्यूचर. अगर आपने ओवर हियर नहीं किया होता तो प्राइस बढ़ने पे आप कम ले लेते, प्राइस कम होने पे आप ज्यादा ले लेते, लॉ ऑफ डिमांड एस्टेब्लिश हो जाता. सो इसलिए वी हैव टू अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस. ठीक है, लास्ट अजम्पशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन द सेम. अगर कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्रोवाइडेड देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर सीजन. लेट अस से प्राइस कम हो गया और विंटर सीजन आ गया, यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगे, तो उस केस में क्या पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी प्राइस कम होने पे? नहीं होगी. क्यों? देयर इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है, अभी स्वेटर्स के प्राइसेस कम हुए हैं तो आप उसकी डिमांड कर रहे हो, अभी देखने को मन नहीं करता आपका, जितना मर्जी सस्ता स्वेटर क्यों ना हो. क्यों? समर सीजन आ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए. क्लियर? सो दीज आर द अजम्पशंस वी हैव टू टेक फॉर एस्टेब्लिशिंग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो जब भी लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करने को आता है, अभी तो एमसीक्यूज आने हैं, फिर मैं बता रही हूँ, फिर भी पहले सबसे बताओ कोई भी लॉ. बेटे, क्योंकि आगे वाली टर्म में तो सब्जेक्टिव आना है ना, तो आपका बेस बना होना चाहिए. क्वेश्चन कम्स, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड. तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग बता दो,
Law of demand states that there exists between price and other things remaining the, in other words, with rise in price and with fall in price, other things. This law can be explained with the help of demand schedule and demand curve. Make a hypothetical demand schedule, explain the law of demand with that, then make a demand curve on the basis of that demand schedule, explain law of demand. After that, you are supposed to give the assumptions on which law of demand is based. Okay? Now, next is exceptions of law of demand. What do you mean by exceptions? Anyone? Matlab kya? Huh? Dobara bolna? Okay. There are certain cases on which law of demand do not apply. Huh? Hota hai? Yani ki price ke badhne se demand badh jati hai. Price ke kam hone se demand kam ho jati hai. जिस केस में ऐसा होता है वो क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस। इस केस में डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप नहीं होता, क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड। हियर आई एम ड्रॉइंग वन डिमांड कर्व। व्हाट डू वी टेक ऑन वाई एक्सिस बेटे? प्राइस। व्हाट डू वी टेक ऑन एक्स एक्सिस? क्वांटिटी डिमांडेड। सो से दिस इज द डिमांड कर्व। जनरली बेटे हम जब भी एग्जाम्स में कर्व्स बनाते हैं ना, विदाउट स्केल बनाते हैं, लेकिन आपको क्योंकि पता चले कि ये बना कैसे, नेगेटिव या पॉजिटिव स्लोप आई कैसे, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम स्केल के साथ आपको बताते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम्स में जनरली टाइम कम होता है तो आप बिना स्केल के बना दोगे तो भी चलता है। जैसे ये डिमांड कर्व बन गया, अब इसको मैं कैसे क्लियर कर सकती हूँ? कोई भी मैंने एक पॉइंट ले लिया वाई एक्सिस पर, वो प्राइस शो करेगा। से मैंने पी लिया तो ये प्राइस कौन सा है? ओपी। मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कमोडिटी की डिमांड देखनी है, मैं कैसे देखूंगी? डिमांड इधर है और मुझे किसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखनी है? ओपी के। एनीवन कैसे करेंगे? पी को डिमांड कर्व से मीट कर दो, ये आ गई डिमांड। अगर मैं इसका यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये इसके पैरेलल आ गया। ओ एम इज द डिमांड एट प्राइस ओपी, डिमांड इज ओ एम। ऐसे देखते हैं, मैथ्स किया हुआ बेटे, इतना हमको पता होता है। फिर मैंने एक और पॉइंट ले लिया ऊपर ओपी वन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे डिमांड देखनी है। ऐसे ही देखेंगे कितनी हुई, क्या शो कर रहा है? When price rises, quantity demanded also rises. यानी यहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई, इसको कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस केसेस ऑन व्हिच लॉ ऑफ डिमांड डू नॉट अप्लाई। फर्स्ट, इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। These are also known as Veblen goods. These are named after an economist, Veblen. He was the one who identified these types of goods. Hence, we named them as Veblen goods. What are Veblen goods or articles of distinction? Bete, these are those goods which are demanded by very high status of the society. Prestigious goods hain. ये वो गुड्स हैं जिसके करके लोगों का स्टेटस, जो लोगों के लिए स्टेटस सिंबल है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना वो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसके साथ उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लग्जरी गुड्स से भी ऊपर हैं ये, इनसे इनका स्टेटस, इनकी सोसाइटी में एक अलग पहचान है। सबको पता है अंबानी का बंगलो, पता है? Everyone is aware. क्यों सबको पता है? क्योंकि उसने बनाया इस तरह से ताकि लोग उसको पहचाने,
है ना, कि अंबानी का लोगों के मुंह पे आए कि हाँ ये अंबानी का बंगलो है, जिस तरह से लोग अमिताभ बच्चन का घर देखने जाते हैं, शाहरुख का बंगला देखने जाते हैं बॉम्बे में, इसी तरह लोग अंबानी का भी देखने आए, ठीक है। ही स्पेंट अ लॉट ऑन मेकिंग दैट गुड, सो सच काइंड ऑफ गुड्स लाइक यू नो पैलेशियल हाउसेस, महलनुमा घर, और इवन विंटेज कार्स और वेरी एक्सपेंसिव कार्स, रेयर पेंटिंग्स, ठीक है, ये सब आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है, क्योंकि जिसके पास ये गुड्स होंगे वो सोसाइटी से अलग दिखेंगे। तो उसने खरीदा ही क्यों है, ताकि वो सोसाइटी से उसको अलग दिखाए। कैसे गुड्स आपको सोसाइटी से अलग दिखाएंगे, महंगे के सस्ते? तो वो इसीलिए उनको खरीद रहा है, बिकॉज दीज आर हाईली प्राइज्ड गुड्स। कल को अगर इन गुड्स की प्राइस कम हो गई, कोई रेयर पेंटिंग है इसकी प्राइस कम हो गई, वो इसकी डिमांड कम कर देगा, बिकॉज दीज आर नो लॉन्गर प्रेस्टीजियस गुड्स, ये तो अफोर्डेबल हो गए। आज डायमंड एक प्रेशियस स्टोन है, महंगा है ना। कल को अगर डायमंड की इंडिया में कहीं से एक्सप्लोर हो जाती है, डिस्कवर हो जाती है खाने, वो पर्ल्स के दाम पे बिकने लग जाता है, तो लोग या एक इंडिविजुअल उसकी डिमांड कम कर देगा लो प्राइस पे। क्यों? दीज आर नो लॉन्गर आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। So in case of, first of all, what are articles of distinction? Which are consumed by very rich strata of the society. These become their status symbol. These are demanded because of their high price. So if their price falls, individual will demand less of these goods. Right? On the other hand, if these become precious, their price rises. They will demand more of such goods. So here, law of demand does not apply. So these are classified as exceptions to the law of demand. Jis case mein price ke badhne se demand badhegi, ya price ke kam hone se demand kam hogi, wo exception hoga. Anyone having any doubt? Gold nahi aa sakta. क्योंकि वो फिर भी अफोर्डेबल है, वो बहुत इंडिया में तो वैसे ही गोल्ड की इतनी डिमांड है, एवरी हाउस होल्ड हैज गोल्ड, है ना, शादियों पे देना होता है हमें, चाहे जितना मर्जी महंगा हो गया स्टिल पीपल बाय इट। सो नो, प्रेशियस स्टोन्स आ सकते हैं, जेम्स आ सकते, जो अगर बहुत बड़े ज्यादा कैरेट वाले डायमंड्स वो आ सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। यस, ignorance of the consumer. Sometimes out of ignorance, consumer buys more at high price. It's psychology of every consumer. Let's say I tell you there is a cosmetic, say lipstick hai. Do brands hai, A and B. Ye lipstick 50 rupay ki hai, ये 350 रुपए की। टेल मी विच वन ऑफ देम इज सुपीरियर। सुपीरियर बी ब्रांड, सबने यही सोचा, ठीक है। कैसे पता चला आपको? प्राइस, ये कंज्यूमर की साइकोलॉजी है, वो सोचता है हाई प्राइस्ड गुड हमेशा सुपीरियर क्वालिटी का होता है, ठीक है। अब सबने यही सोचा, उन्होंने ए खरीदना बंद कर दिया, ए ने क्या किया, ए ने अपनी पैकिंग चेंज की, अपना ब्रांड चेंज किया और 300 रुपए पे अपनी लिपस्टिक बेचनी शुरू कर दी। पीपल विल बाय मोर और लेस ऑफ ए नाउ? मोर, पहले ए सस्ता था तो उसकी डिमांड कम थी, अब ए महंगा हो गया तो लोगों ने डिमांड ज्यादा कर दी। क्यों? Out of ignorance, people think that high-priced good is of better quality. Yes, so they buy out of ignorance. They buy less at low price and more at high price. Right? Third,
Giffen गुड्स, ध्यान से सुनना है, Giffen गुड्स का कॉन्सेप्ट क्या है. सबसे पहले Giffen गुड्स का कॉन्सेप्ट, इट वॉज गिवन बाय सर रॉबर्ट Giffen, एन इकोनॉमिस्ट. सो दीज वर नेम्ड आफ्टर हिम, Giffen गुड्स. Giffen गुड्स वही होते हैं जिनके केस में प्राइस के बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ जाती है. बेसिकली दीज आर कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, यानी इनकम के कम होने से इनकी डिमांड बढ़ जाती है और इनकम के बढ़ने से इनकी डिमांड कम हो जाती है. ठीक है. सो पहली बात, Giffen गुड्स इंफीरियर गुड्स है, यानी इनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव है. ठीक है. और इनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, मतलब इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड इज पॉजिटिव. दैट इज इनके ऊपर, ये वो इंफीरियर गुड्स हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. सो लेट्स सी कैसे आइडेंटिफाई हुए ये गुड्स. रॉबर्ट Giffen ने देखा कि यूके में जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, एक सिचुएशन आई 1930s के करीब, प्राइसेस वर राइजिंग. ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए प्राइसेस, ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया. तो जो लेबर क्लास थी यूके की, देवर डिपेंडेंट अपॉन ब्रेड एंड मीट. ब्रेड बेटे, जैसे हम इंडिया में रोटी बोलते हैं, वहां पर ब्रेड है. ठीक है, जनरली लोग रेडीमेड लोफ ही लाते हैं वहां पे, इंडिया में हम लोग पकाते हैं. सो हमारे लिए हमारी रोटी इज अ काइंड ऑफ ब्रेड. सो देवर डिपेंडेंट अपॉन टू काइंड ऑफ थिंग्स, ब्रेड एंड मीट. लेबर क्लास है, वो वेजिटेबल ज्यादा नहीं खाती, उनको कैलोरीज की जरूरत है. सो ये दो चीजें वो खरीदते थे. उनकी इनकम कम होनी शुरू हो गई, डिप्रेशन चल रहा था इकोनॉमी में, वॉर की सिचुएशंस थी, उनकी इनकम कम होने लग गई. ठीक है, क्या हुआ, ही ऑब्जर्व जब, और ब्रेड भी महंगी होने लगी, ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए. सो ब्रेड की डिमांड कम होनी चाहिए थी लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, बट ही ऑब्जर्व that the demand of bread increased, bread की demand बढ़ने लगी. तो उसके पीछे उसने क्या logic देखा कि जब लोगों के पास limited income है और उनकी income कम हो रही है, earlier they were distributing their income on say one loaf of bread and say 1 kg of meat. ठीक है, अब जब ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, हाँ, तो मोर ऑफ मनी विल बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स ब्रेड. पहले अगर एक ब्रेड बेटे 1 रुपए की आती थी, अब वो ब्रेड 5 रुपए की आएगी. तो अगर आपके पास 10 रुपए हैं, जिसमें से आपने 1 रुपए की ब्रेड लेते थे, 9 रुपए का मीट लेते थे, है ना, तो आपका पेट भर जाता था. You were dependent upon both bread and meat. अब क्या हुआ, ये ब्रेड कितने की हो गई, 5 की. आपके पास कितने पैसे बचे, 5. तो मीट कम आएगा. जब आप 5 रुपए ब्रेड पे लगा दोगे तो मीट की क्वांटिटी हाफ हो जाएगी. Now you can afford one loaf of bread and half kg of meat. So they realized कि इससे उनका पेट नहीं भर रहा. What they did, they stopped purchasing meat and they started consuming more of bread. तो उन्होंने 2 loaf bread के लेने शुरू कर दिए और meat की consumption बंद कर दी. ठीक है, so what happened with rise in price, demand of bread started rising. ठीक है, अब ये inferior goods हैं जो कि कम इनकम पर ज्यादा डिमांड हो रहे हैं और
इनके केस में लॉ ऑफ डिमांड भी अप्लाई नहीं हो रहा. माइंड इट, एवरी इंफीरियर गुड इज नॉट गिवन गुड. आप ये ना सोचना कि जो इंफीरियर गुड है उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा. इंफीरियर गुड्स की एक सिलेक्टेड कैटेगरी है जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, उन गुड्स को हम गिफन गुड्स कहते हैं. सो द कंक्लूजन इज ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स. यस, बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स. इफ इंफीरियर गुड्स दो कैटेगरीज के होते हैं. इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? जिनके केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होते हैं. मैं यहां पे लिख रही हूं, ये दोनों गुड्स का इनकम इफेक्ट क्या है? नेगेटिव है. यस, लेकिन इसमें से जो ब्रेड थी उसके केस में क्या हुआ? प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड, यानी उसका प्राइस इफेक्ट क्या हुआ? पॉजिटिव. लेकिन मीट के केस में क्या हुआ? प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड कम हो गई, यानी उसका प्राइस इफेक्ट क्या हुआ? नेगेटिव. तो ये वाला इंफीरियर गुड यानी कि ब्रेड, ये इस केस में गिफन गुड है और ये इंफीरियर गुड ही है. विच मीन्स ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स क्योंकि इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, बट ऑल गिफन गुड्स आर नॉट इंफीरियर. ये वाले गुड्स इंफीरियर है पर ये गिफन नहीं है. ये सारे दोनों गुड्स इंफीरियर है और इनमें से एक कैटेगरी गिफन है. यानी गिफन इंफीरियर होते हैं लेकिन सारे इंफीरियर गुड्स गिफन नहीं होते. ठीक है. सो दीज वर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क.